रंका से प्रमोद कुमार यादव की रिपोर्ट। रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत के सिंजो गांव में जंगली हाथी ने दो घर को गिराया एवं घर में रखा अनाज सारे खाए। इस संबंध में बताते चलें कि रंका प्रखंड के खरडीहा पंचायत के सिंजो गांव के सोमारू कोरवा एवं राम अवतार कोरवा के हाथी के द्वारा घर गिराकर घर में रखा हुआ जिनोरा धान सारे खा गए, जिससे सोमारू कोरवा एवं राम अवतार कोरवा के हाथी के द्वारा अनाज खा जाने से काफी बेचैन है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार से धान एवं जिनोरा घर में रखा हुआ था, उसी को खाकर हम लोग अपना जीवन बसर करते थे, परंतु आज हाथी के द्वारा घर में रखा हुआ सारा अनाज खा गए एवं घर गिरा दिए। इस खबर को सुन खडीहा पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि पप्पू यादव सिंचू गांव पहुंचकर राम अवतार कोरवा एवं सोमारू कोरवा को 2000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया एवं फॉरेस्ट विभाग से मुआवजा दिलाने की बात कही। इधर देखा जाए तो हाथी के अत्याचार से गांव के ग्रामीण काफी भयभीत हैं, वहीं वन विभाग अपने हाथी को काबू में नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आज गांव के ग्रामीणों को गांव में रहने में अब काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जो अनाज हम लोग साल भर खाने को लेकर रखते हैं, आज वे हाथी के द्वारा सारे अनाज को खाया गया और वन विभाग के द्वारा समय से मुआवजा नहीं मिलने से हम लोगों के सामने भुखमरी के सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग अपने हाथी को अपने कब्जे में रखे, ताकि हम गांव के ग्रामीण ठीक ठाक से जी सकें। कैसे हुआ, कितना रात? 3 बजे रात में हम सब परिवार सब सुतल था, अचानक उन्हें पश्चिम से आया भगवान के, हम जगते ही आओ उन्हें से सब आदमी जुटते बने, हाला करते बने, तब एकदम रटाक मारी इन्हें ठेल लगते, वो बड़की छोटकी लेके आ रहे कटिया पर सुतल रहे, और एक भाई ओकरा कपार में बज लगता, बच्चा के देखत भाई कि केवन मारल केवन मारल, देखत बताइए ना, और पुतो बड़की पुतो रहे बैठल सुतल रहे। क्या चीज गिराया है? या थी हाथी गिराया, बड़ा जबड़ के हाथी था। उसके बाद ओकर बाद एगो छोटे मार के लड़की रहे 3 साल के, ओकरा छोड़ के और सब उन्हें भाग गए ना, एक भाई उन्हें हला कर नहीं छूट गए छूट गए, तब मैंने हम लुकवारी से कैसू कैसू करके पीछे हटा के थोड़ा सा खींच के, तो कैसे जैसे निकल रही का छत छती में छती सैया के कागज पत्र रहे, बक्सा सब गिरा के तुड़ फाड़ के बना, ये दरवाजा नहीं बोला उन्होंने, सब दरवाजा तुड़ फाड़ के बना, कौन सा नहीं मानी अच्छी जो है जिनोरा रहे, अब आलू रहे, ये सब अथी छत के। कौन सा गांव है? ग्राम सिंह जो है बक्सा तोड़ दिया। का नाम है? रामता कोरवा। कैसे कैसे हुआ? अलन से उन्हें से अलन से इतुड़लन इतुड़ के सीढ़ी रहे उठंगा वाली पटकलन गिरुलन। का चीज अलन? हाथी। अच्छा, उसके बाद? तब ये तो लगलन खोल दलन तो घिंच घिंच के खाए, और चारू घर आदमी यू करे वह कर आदमी, तब वो नहीं भागा, दबा के निकलू। कैसे निकलू? इस बारे में फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी है? आया था, फोटो भर लेके गया है। उसके बाद क्या बोला? कुछ नहीं बोला। सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से क्या मांग कर भाई, हमारे रहे तो खेती ना, हम है ये नहीं खे तो का खे। अच्छा, ये रहे से मकई रहे धान रहे से सब खाएंगे। लगातार पहले भी यहाँ हाथी आया था, धान जो जो मतलब फसल नुकसान किया उसका फोटो फॉरेस्ट विभाग ले गया है, फॉर्म लोग भरा है, उसका मुआवजा तत्काल, बात किए थे DFO सर से, वो बोले हैं कि तत्काल उन लोग का मुआवजा जो है उन लोग का मुआवजा मिलेगा। और रात में यहाँ जो क्षति किया है नुकसान फॉरेस्ट वाले आए हैं, फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए हैं, हम तत्काल चाहेंगे कि फॉरेस्ट वाले इन लोग को जो भी क्षति, वहाँ आप देखें वहाँ भी घर गिराया है, उसका भी इनको मुआवजा मिलेगा, इनका जो धान वगैरह जो भी बर्बाद किया है उसका भी मुआवजा मिलेगा। अभी हम तत्काल अपने तरफ से इन लोगों को खाने पीने के लिए, चूंकि सब कुछ बर्बाद कर चुका है, तो हम अपने तरफ से इन लोगों को 1000 रुपये का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग अपनी आज का जो खाना पीना का जो सर सामान है जो उन लोग लाके अपना खाना पीना खाए। और हम आज अभी रेंजर साहब से बात करेंगे, चूंकि यहाँ से नेटवर्क नहीं है, फ़ोन नहीं लग रही है, हम जाएंगे रेंजर साहब से बात करेंगे, और इन लोग के जितना जल्द हो सके यहाँ का ग्राम सिंजो का और अपने पंचायत का मुआवजा बाकी है मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और हाथी जो आ रहा है पूरा टीम, आज फॉरेस्ट विभाग का टीम हम रहेंगे पूरा ग्रामीण वासियों के साथ, पूरा सिंजोर में रात में कैंप होगा, हम लोग हाथी भगाने का काम कोशिश करेंगे। मुखिया प्रतिनिधि पप्पू यादव, खटिया पंचायत। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर,
टंडवा गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।